सीधे रुक कर लेते हैं यूपी विधानसभा। कितना बकाया है चीनी गन्ना किसानों का, गन्ना किसानों का बकाया? ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हो, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है, मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट? आम भेजा है आपने, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने मंडियां संभाली होंगी, मंडी सरकारों में रहेंगे, वो जानते हैं कि बहुत सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती थी। हमें बताएं आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया आपका, धान चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया, और सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है, यहां से वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही है, और टमाटर का रंग नहीं देखा आप, बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते, और अध्यक्ष महोदय दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो से जेल भेज गए आप। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक को रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पे जगाया, आपने उसे दुकानदार के न केवल बेटे को, उसके पिता को जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? क्या आपने जेल भेज दिया उन दोनों को? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी इसलिए कि केवल ये बात कह दी हम लोगों ने, समाजवादियों ने केवल ये बात कह दी कि हो सकता है टमाटर को जेड प्लस की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कई जगह से, कि टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गए। सरकार तब जागी जब बनारस में दुकान लगाई और ये जागरूक किया, तब सरकार जागी। सरकार ये बताए कि टमाटर की कीमत क्या थी, क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगी। सपना दिखा रहे $1 trillion इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं, और जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर वो मदद कर सकता है हमारे किसानों की आय बढ़ाने में। डेयरी सेक्टर के लिए आपने क्या किया? मुझे याद है जिस समय पराग को बजट दिया जा रहा था, उस समय अधिकारियों ने कहा कि कभी पराग को इतना बजट नहीं दिया गया, बजट देकर के कैसे उत्तर प्रदेश की अपनी संस्था प्राइवेट और जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है बाजार में उसके बराबर खड़ी हो, उसके लिए सरकार ने लगातार मदद की। और उसी दौरान काउ मिल्क प्लांट लगाया गया, वर्ल्ड क्लास, टेक्नोलॉजी में बेहतर, आज के समय के हिसाब से अध्यक्ष जी एक काउ मिल्क प्लांट लगा, किसान गाय का दूध देने लगे। इस सरकार ने कहा कि गाय की क्या जरूरत है दूध देने की, आप भैंस का भी लाओ, हम मिक्स प्रोडक्ट बनाएंगे, मिक्स प्रोडक्ट बनने लगे उससे, और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो काउ मिल्क प्लांट बंद है।
तो आप देख रहे थे यूपी विधानसभा की तस्वीरें। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला, वहीं अब रुक कर ले